वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने 11.1 के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है वो दो बार पोस्ट कर दिया, वो वीडियो दो बार बना दिया, पर कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 11.2 एक्सरसाइज, जहां पे हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनमें क्या हो, फोर साइड्स, क्लोज्ड शेप और फोर एंगल्स। अब चाहे कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, अगर फोर साइड्स कहीं हैं, चाहे वो कैसी भी टाइप की शेप हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। क्योंकि हम तो क्वाड का मतलब जानते हैं कि फोर साइड्स होती हैं। अब क्वाड्रिलेटरल का जब एरिया हमें फाइंड करना हो, तो भाई हमें कोई फॉर्मूला अभी तक नॉर्मली वैसे पता है, मैं बताऊंगा आगे, बट हमें जब कोई फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया तो एक ट्राइंगल की हाइट तो हो गई ये, इसको हम बोले H1, और एक ट्राइंगल की हाइट हो गई ये, जिसको बोले H2। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, हाँ, ABCD, और ये ABCD तो साइड है, लेकिन BD क्या है, इसका डायगनल है। क्या है, डायगनल, जिसको बोले D। आपको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं पहले देखिए, पूरे मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो मैं ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इसको और नीचे वाले ट्राइंगल इसको, दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के उसको प्लस कर दूं, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो देखिए बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, मैं ऐसे लिखता हूं एरिया ऑफ ABCD। अगर ABCD का एरिया फाइंड करना हो तो मैं क्या करूं, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ CBD। भाई दो ट्राइंगल ही तो बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, एरिया ऑफ ABD क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस और हाइट अलग अलग है। तो देखिए यहां ऊपर वाले की बात करें तो बेस तो कितना है, डी, ये बेस है, और हाइट कितनी है, H1। तो इसका एरिया तो होगा हाफ इंटू बेस की जगह पे डी और हाइट की जगह पे H1। अब नीचे वाले की बात करते हैं तो बेस तो होगा सेम डी और हाइट होगी H2, तो यहां लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ और डी यहां पे सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, हाफ इंटू डी, ये तो कॉमन आ गया, बचा क्या, H1 प्लस H2। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, जनरल क्वाड्रिलेटरल। किसका फॉर्मूला है, जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा है, हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। कि हमें अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या करोगे, उसका एक डायगोनल आपको पता चल जाए और हाइट्स पता चल जाए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वे, कि जब आपको नाम बिल्कुल भी नहीं पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की, तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनमें चीजें होती हैं, तो वो हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल के लिए। वैसे हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की तो बात कर चुके हैं, तो हम कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की ही बात करते हैं, जो कि कौन कौन से हैं। ट्रेपेजियम आता है उसमें, पैरेललोग्राम आता है, और क्या आता है, रोम्बस आता है, काइट आता है, इनकी हम बात करते हैं। तो देखिए ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम पहली शेप हम पढ़ते हैं, ट्रेपेजियम की शेप कैसी होती है, या तो इस तरीके का मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके का मिल जाए। तो ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है,
टू साइड्स कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो वो शेप क्या होती है? और वो तो सिंपल सा ही कि फोर साइड होगी तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो वो तो सारे रूल्स हैं ही। उसके अलावा एक और कंडीशन क्या हो गई, टू साइड्स कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए इसका एरिया क्या होता है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब सुन लीजिए, ए और बी क्या हैं? ए एंड बी आर नॉन पैरेलल, सॉरी पैरेलल साइड्स हैं। कौन सी साइड हैं? पैरेलल साइड हैं। और एच क्या होती है? हाइट होती है। तो सुन लीजिए कैसे करना है, ये एक पैरेलल साइड और ये दूसरी पैरेलल साइड, किसी को भी तो ए मान लो, किसी को भी बी मान लो। जब एंगल 90 डिग्री है तब तो हाइट यही होगी, लेकिन ए भी तो ठीक है, यहां एंगल 90 डिग्री नहीं है तो हाइट हमें निकालनी पड़ेगी ये वाली एच। ठीक है, हाइट हमेशा वो होती है जो परपेंडिकुलर में हो। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का। इसको अगर हम लैंग्वेज टाइप में लिखना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हमारा होता है। इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शेप के लिए। जो कि है पैरेललोग्राम। चलिए पहले रोम्बस देख लेते हैं। रोम्बस, रोम्बस क्या होती है? जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो, एंगल का कोई पता नहीं है इसमें, जिसकी फोर साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। तो ये इसका डायगोनल d1, एक डायगोनल को d1 बोल लें, एक को बोले d2। तो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। d1 और d2 क्या हैं? इसके डायगोनल्स हैं। क्या हैं? डायगोनल्स हैं। नेक्स्ट और तो इसके अलावा कोई शेप इसमें दे नहीं रखी है, बाकी और मैं देख लेता हूं। देखिए पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया लिखना है, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको अलग से। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशंस होती हैं, कि इसकी अपोजिट साइड कैसी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है भाई, पैरेलल का साइन है वो, ऐसा होता है पैरेललोग्राम। अगर हम इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करना चाहें, ठीक है भाई, तो यहां एक की हाइट हम लेंगे कौन सी, अरे यार क्या कर दिया ये मैंने, इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो एक की हाइट तो हो गई ये एच वन और एक की हाइट हो गई ये एच टू। लेकिन आप एक चीज देखिए, पैरेललोग्राम में सारी हाइट इक्वली होगी, ये एच वन और एच टू कैसी होगी, इक्वल होगी। और देखिए यहां तो बेस बनेगा ये, हम बी वन ले लेते हैं, और यहां बेस बनेगा बी टू। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल एंड
इक्वल, तभी तो बनता है पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी हो, इक्वल। इट मींस बी वन और बी टू दोनों बेस भी इक्वल हैं और हाइट तो इक्वल हो गई, मतलब एच वन और एच टू भी कैसे हैं, इक्वल हैं। तो देखो यहां अगर आप जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला मैं लगाना चाहूं तो हाफ इंटू बेस तो सेम ही है, बेस तो कैसा है सेम है, तो बेस तो हमारा यही हो गया बी, और इंटू एच, एच बी दोनों एच वन प्लस एच टू होता है ना, तो दोनों ही हमारे तो सेम है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सीधा सीधा सा फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल में ध्यान रखना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट होता है। ये हमारे फॉर्मूलों की जनरल सी बात थी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।